ग्लैमर वर्ल्ड इस समय गम में डूबा हुआ है। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी की आत्महत्या के बाद हर कोई सदमे में है। माया नगरी में सितारों को होने वाली परेशानियों के बीच अब प्रियंका चोपड़ा की खुदकुशी की कोशिश की खबर ने सबको चौंका दिया है। इस समय सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही प्रियंका चोपड़ा के पूर्व सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रियंका ने भी 2-3 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रियंका चोपड़ा भले ही मजबूत लगे लेकिन संघर्ष के दिनों में वो बहुत इनसिक्योर थी। प्रियंका चोपड़ा जिस समय असीम मर्चेंट के साथ रिश्ते में थी उस वक्त वो बहुत परेशान रहती थी। वो मर्चेंट की माँ के बहुत करीब थी। 2002 में उनकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट से कूदकर सुसाइड की कोशिश की थी। उन दिनों प्रियंका चोपड़ा और असीम में झगड़ा होता था। रात को 2-2, 3-3 बजे रोते हुए उन्हें फोन करती थी और उन्हें असीम के घर के नीचे से अपनी कार में लेके आते थे, फिर समझा बुझा कर घर छोड़ते थे। एक बार प्रियंका असीम से झगड़ा कर कार लेके सुसाइड करने चली गई। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर उन्हें वापस लाया। जाजू का मानना है कि 18-19 साल की लड़कियों में कहां समझ होती है। ऐसे में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए परिजनों को बेटियों को अकेले मुंबई नहीं भेजना चाहिए।